एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस बाय सिल्की सहानी। आज हम क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 का कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोमबस। हमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं पहले हम, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। इसकी डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं ए सी एंड बी डी। क्वेश्चन में क्या रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, सो हमें प्रूव करना है ये जो क्वाड है ये रोमबस हो। सो गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए सी एंड बी डी आर द आर इट्स डायगोनल्स विच बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। टू प्रूव हमें करना है कि जो क्वाड ए बी सी डी है ये रोमबस है, क्वाड ए बी सी डी इज अ रोमबस। एक क्वाड्रिलेटरल रोमबस तभी कहलाता है जब इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये ट्राइंगल ए ओ बी लेंगे और बिल्कुल ही इसके साथ का ट्राइंगल ए ओ डी लिया। इस ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन कंडीशंस चाहिए। फर्स्ट वन ए ओ ए ओ कॉमन, सेकेंड एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए ओ डी ईच 90 डिग्री, थर्ड वन ओ बी इक्वल ओ डी इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन कि जो इसके डायगनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं। सो तीन कंडीशंस आ गई हैं, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ डी के। कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट साइड है देन एंगल है देन साइड, इसे लिखेंगे बाय एस ए एस रूल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं इधर, क्योंकि हमें साइड्स को इक्वल करना है ए बी और ए डी। ए बी इक्वल ए डी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, दिस इज इक्वेशन वन। सिमिलरली बाकी की चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल बी सी, बी सी इक्वल सी डी एंड सी डी इक्वल डी ए। तो हमारे पास चारों साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि एक क्वाड क्या प्रूव होगा, रोमबस। देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, हेंस क्वाड ए बी सी डी इज अ रोमबस।